8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन होने वाले हैं, जिसमें दुनिया भर के विशेष अतिथि पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ट्रैफिक के स्पेशल कमिश्नर SS यादव जी मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां सर G20 के लिए की गई हैं? देखिए, G20 का जो शिखर सम्मेलन है, ये दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए गर्व का विषय है, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। और हमारा जो प्रयास है दिल्ली यातायात पुलिस की तरफ से, बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, बहुत सारी रिहर्सल्स हो रही है और इसके लिए विस्तार से एक यातायात निर्देशिका बनाई गई है, जिसको कुछ दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा। उसमें आपको विस्तार से ये बताया गया है कि किस तरह से दिल्ली यातायात पुलिस ये प्रयास करेगी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी असुविधा के दिल्ली के नागरिकों को, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं G20 के डेलीगेट्स वगैरह, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इस तरह का जो है फैसिलिटेशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। उस यातायात निर्देशिका में हमने प्रयास ये किया गया है कि कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई साधन, बस से या मेट्रो से या टैक्सी से, आपको एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा जहां पर आप बिना किसी रोक टोक और असुविधा के आप जा सकेंगे। और चूंकि ये गर्व का विषय है पूरे राष्ट्र के लिए, तो हम ये प्रयास भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं सभी लोगों से कि इस इन जो इंतजाम में, जो अरेंजमेंट से, उनमें पूरी तरह से सहयोग करें, जिससे कि हम दिल्ली के नागरिक और दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली पुलिस एक अच्छा प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने कर सकें। सर, एक बात लोगों के मन में है और इस तरीके की बात चर्चा भी उठ रही है कि क्या 8, 9 और 10 तारीख को पूरा नई दिल्ली इलाका बंद हो जाएगा? कई लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है सर? देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं, या किसी को भ्रांति है या कोतूहल है या परसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। जो दिल्ली यातायात पुलिस की जो यातायात निर्देशिका जारी होगी, उसकी उसको फॉलो कीजिए। हम एक वर्चुअल हेल्प डेस्क भी जो है स्टार्ट करेंगे, उसका लिंक आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। हमारा जो ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपको जो भी ट्रैफिक अलर्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर, हमारी वर्चुअल हेल्प डेस्क पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे। और रही बात ये सोचने की कि पूरी नई दिल्ली बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग हर एक व्यक्ति के लिए फैसिलिटेट करेंगे जो आना चाहेंगे। हमारी ये गुजारिश है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए बजाय कि अपना व्यक्तिगत वाहन का, क्योंकि मेट्रो सर्विसेज पूरी दिल्ली में चलती रहेंगी। आप मेडिकल सर्विसेज है, उसके लिए हम एक विशेष स्पेशल एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम हम स्थापित करेंगे, उसका हेल्पलाइन नंबर आपको जल्दी दे दिया जाएगा। हमारी सभी हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो चुकी है और स्पेशल डिप्लॉयमेंट विभिन्न जंक्शंस पर रहेगा। एम्बुलेंसेज को असिस्ट करने के लिए, खासतौर पर ग्रीन कॉरिडोर की जहाँ आवश्यकता होगी, वहां पर हम लोगों ने जो मोटरसाइकिल पेट्रोल्स की भी अरेंज किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि कहीं कोई बंद जैसी या लॉकडाउन जैसी स्थिति है, बिल्कुल नहीं रहेगी। आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। सभी रेलवे स्टेशंस पर जाने के लिए आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। रिंग रोड के बियॉन्ड जो है सिटी बस सर्विसेज चलती रहेंगी। कॉमर्शियल ट्रैफिक, जरूर जो हैवी कॉमर्शियल ट्रैफिक है, वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और जिसके बारे में विस्तार से जो जानकारी है वो यातायात निर्देशिका में आपको मिल जाएगी। यानी जो लोग इस एरिया में आते हैं जहां पर मूवमेंट रहेगी VVIP की, जिनके अपने घर हैं, उनको मूवमेंट, उनकी मूवमेंट भी ब्लॉक नहीं होगी। दूसरी तरफ उस इलाके में अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई रूट है तो लोगों को आने जाने से मना नहीं होगा। बिल्कुल, आप नई दिल्ली के रेजिडेंट है, आपका जो आवागमन है वो बिना किसी बाधा के रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कई जगह जो सुरक्षा चेक्स है, तो उस वक्त आपके आपसे आपकी किसी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा सकता है, उस मामले में आप सहयोग कीजिए। ये वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। रही बात एम्बुलेंसेज की, हॉस्पिटल्स की, आप किसी मरीज को RML जाना है, किसी को प्राइमस हॉस्पिटल जाना है, किसी को एम्स जाना है, हम विस्तार से अरेंजमेंट्स हम लोगों ने प्लान किए हैं, सभी एम्बुलेंसेज को, पेशेंट्स को जाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एयरपोर्ट है वहां से, और जो लोकल जो बाहर के लोग हैं, स्टेट के बाहर से आते हैं, उनके मूवमेंट्स को, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी?
यही मैंने बताया कि हमारी जो वर्चुअल हेल्प डेस्क का भी हम लॉन्च कर देंगे 2-3 दिनों में, उसमें लाइव अपडेट्स मिलेंगे आपको। उसमें एयरपोर्ट से आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट से साउथ दिल्ली जाना चाहते हैं, ईस्ट दिल्ली जाना चाहते हैं, आप जीके जाना चाहते हैं, आप गाजियाबाद जाना चाहते हैं, नोएडा जाने, बिल्कुल आपको उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। और आप ये देखिए कि आपका जो मेट्रो की फैसिलिटी है दिल्ली में, इट्स अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन दी वर्ल्ड, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल नहीं होंगे, मेट्रो चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। तो जो बातें कही जा रही हैं कि लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी या सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चीजें नॉर्मल रहेंगी। हाँ, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन उसकी जानकारी भी लगातार लोगों को मिलती रहेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।